वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं और सना मिलकर इफ्तार तैयार कर रहे हैं फैमिली के लिए, वो भी हमारे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें, फैमिली हमारी आ रही है, कोई खास फैंसी शैंसी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि भाई मिलके बैठेंगे और खाएंगे, मज़ा आएगा। मम्मी के जाने के बाद ये पहला इफ्तार ऐसा होगा कि जो मम्मी नहीं होगी और हम सारी फैमिली होगी, तो बहन भाई प्यार और मोहब्बत से मिलके पकाएंगे, खाएंगे और मम्मी को याद भी करेंगे और हम सब मिलके दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम दे, हाई मुकाम दे, है ना सना? आमीन आमीन। तो चले, ये जो है ना, सना भी कुछ कर रही है और सना से बात कर रही है, वो क्या कर रही है मुझे क्या पता। मैं मेरा फेवरेट इजीएस्ट और मोस्ट टेस्टीएस्ट जो है क्रीमी फ्रूट जलाई बना रही हूँ। ये किसके चैनल से आपने लिया है? रूबी मैम के चैनल से। सबसे पहले व्हिप क्रीम को हम व्हिप कर रहे हैं, फिर इसमें दो चार इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और हमारा रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने क्रीमी फ्रूट डिलाइट नहीं देखा है तो इसका लिंक सना यहाँ दे रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मामा आप क्या बना रहे हो? हाँ, मैंने यह तेल डाला है ढेर सारा। डैडी को बड़ा दिल चाह रहा था कि फैमिली को कढ़ाई बहुत पसंद है तो कढ़ाई बनाओ, तो मैं यहाँ गोश्त चढ़ा दूंगी ताकि गोश्त जाने चूल्हा जाने, और यहाँ मैं चटपटी सी चाट बनाऊंगी जो कि रूबी के किचन में बनाई है, बेसिकली मेन डिश। हाँ। वैसे तो आप लोग मुझे देख लेते हैं एवरी डे चैनल पे, लेकिन मैंने इतनी सारी जो है मेहनत कर करके, मैंने और डायरेक्टर साहब ने शूट कर लिए होते हैं रमज़ानों से पहले, ताकि हम बड़े आराम से वक्त गुजारें इबादत में, इफ्तार में, सहरी में, लेकिन ज़ाहिर है सारे के सारे तो हम नहीं कर पाते, तो कुछ जो है वो हम बाद में करते हैं जो कि इफ्तार के बाद करते हैं। तो मुलाकात बेसिकली मुझे लग रहा है मेरी बड़े दिनों बाद आप लोगों से हो रही है। तो यहाँ देखें चाट भी बन रही है और गोश्त तो है, मुझे नहीं बनाना है ना सना को बनाना है, वो तो चूल्हे को बनाना है, तो हमने चूल्हे के हवाले कर दिया अभी। मामा इस चाट की रेसिपी है आपके चैनल पे? हाँ। ये भी है, इसका लिंक यहाँ देते, वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन बस क्वांटिटी में और जल्दी में बनाने में और आप लोग को बताने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, अदरवाइज इसकी भी रेसिपी है। और अगर आपने लास्ट ईयर का हमारा इफ्तार का व्लॉग नहीं देखा हो तो उसका लिंक सना इसका लिंक यहाँ देते हैं हम। हाँ, हम देते हैं, उसमें डैडी की कारस्तानी देखने में मज़ा आएगा ना। हाँ, उसमें मेरे हबी ने पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताया था। मामा आप साबुत टमाटर डाल रहे हो? हाँ, वो पता है मैं ये छिनवारी कढ़ाई और मेरी खुद की कढ़ाई दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ, और अगर इन लोगों को अच्छी लगी तो इसकी भी रेसिपी देंगे। मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, टमाटर भी नहीं काटने पड़ेंगे। वैसे आम हालात में मैं मेजर नहीं करती हूँ, और जिस तरह से डालती हूँ ना इसी तरह आप लोगों के सामने भी डाल रही हूँ। हर दावत में ऐसे ही तो होता है। हाँ, अरे काला नमक नहीं होगा तो लाइफ थोड़ी कोई ब्यूटीफुल होगी। काला नमक तो डालना ही पड़ता है ना चाट में, तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अभी मैं भूल जाती बातें करते करते, तो फिर कितना अफसोस होता। तो चले, यहाँ आलू भी तो है। आलू कह रही है कि मुझे तो काटा ही नहीं, उबाल के बस छोड़ दिया है, मुझे तो भूल ही गए। तो सना,
मामा तेरी जैसी लड़कियाँ जो छोटी छोटी हैं उसको तू ये रिकमेंड कर कि ये बनाए इफ्तार में, तो मज़ा है, सिंपल है। मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँ, क्योंकि इतना डिलिशियस होता है और इतना ईजी होता है और लोगों को मज़ा भी आता है और बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो बहुत रेकमेंड करूँ कि फटाफट ये बन जाएगा। विप क्रीम, कंडेंस मिल्क, फ्रूट्स, लवाजमात थोड़े से आपको डाल लें, पिस्ते वगैरह, ऑल डन। फ्रिज में ठंडा कर दें, है ना, और ना डालें तब भी कोई हर्ज नहीं है ना, और डालें तब भी अच्छा है। हाँ, जो भी जिसको फ्रूट्स पसंद है वो डाल दें, जिसके जो फेवरेट्स हैं, मैंगो पसंद है, अंगूर पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, जो भी जिसको ज़्यादा पसंद है उसके लिए बना रहे हैं वो डाल दें। अगर आपको सब इजी चाहिए तो वो सब बनाइए जो मेरी जिम्मेदारी है इस शो में, वो सब इजी वाली चीज़ें मेरे पास है, वो बना के पार्टी कर सकते हैं। नहीं नहीं, इजी तो सभी है, बस ये जाहिर है अभी सब करेंगे तो मैं क्या करूँगी आपके लिए सब इजी है। तो देखा सना छिलके कैसे शानदार निकल रहे हैं शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट शॉर्टकट है। सना फिर याद रखना एंड में इस पर पूरियाँ क्रिस्पी करारी डालेंगे। सही, अभी इसे डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, अब हम बना रहे हैं पैटीज, जो कि कीमा हमने कल ही बना लिया था। अब इसको फर में डाल के इस पे अंडा लगा के हम बेक कर लेंगे। ये भी इजी पीजी आइटम है। और पता है आजकल मैं ऐसे करती हूँ, मिर्चों को कूट के स्पून जैसे ये है ना, एक टेबल स्पून यूँ भर के और फ्रीज कर देती हूँ और उसके बाद ये जिपलॉक बैग भर के रखती हूँ, बड़ा ठीक पड़ता है। एक दफ़ा मुझे लगा ये ब्रोकली है, मैं बच्चों के लिए करने वाली थी स्टीम ब्रोकली फिर मुझे लगा नहीं नहीं इसमें से कुछ खुशबू नहीं आ रही। आज के बर्तनों की क्या थीम होगी ये व्यूअर्स के लिए सस्पेंस है मामा हमेशा कुछ ना कुछ थीम करती है, कभी मिट्टी के बर्तनों की, कभी वाइट्स, कभी ग्लास, तब आज देखते हैं क्या होगा। आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया। बड़ा अच्छा कढ़ाई लग रहा है ये तो, जो भी नाम है इसका। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है जाना, अच्छा पता है। हाँ। क्या दही वगैरह जाएगा? दही, अदरक, अच्छा सूखी मेथी। कलर इतना प्यारा लग रहा है, रेड में ग्रीन जा रहा है तो। हाँ। आना ने बोला कि किसी और ने बोला? हाँ, और सुना की हाल है? नानी आप क्या बना रहे हो? बस कढ़ाई, और ये पीछे रख रही हूँ, तो ख्याल रखना ताकि तू जल्दी जा, ताकि मैं यहाँ जरा दूसरी चीज कर लूँ। दादी की याद में आलू बना रही हूँ। मैंने एक पूरा ऐसा मील पिक किया है जो मम्मी का फेवरेट था, और कभी कभी मदर्स डे में मैं उनके लिए वो बना के देती थी तो वो इतनी खुश हो जाती थी। तो मैं हमेशा चाहती हूँ वो हमारे दरमियान है, ऐसा ही फील हो, वो कहीं गई नहीं है, बल्कि देखें हम जैसे हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अल्लाह मियाँ है तो उनके पास है, तो वो खुश है वहाँ, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उनको हमेशा याद रखेंगे अच्छी तरह से।
ये आलू भी मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। पीले आलू, ये साबुत वाली जब गोल मिर्च है ना, उसको अगर तोड़ दो ना, आहा, ऐसी तेज़ हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है। क्योंकि मैंने ग्रीन वाली डाली ना, वो भी तेज़ नहीं है, और जो रेड डाली ना, वो तो डेकोरेटिव है। मम्मी को कड़ी पत्ते बहुत पसंद है, बहुत ही, कड़ी पत्ते की खुशबू से खुश हो जाती थी, बल्कि रूखे खाने लगती थी कड़ी पत्ते। क्या क्या बन रहा है? पीले आलू, और चाट, कढ़ाई चूल्हे पे, सदा ने पैटीज बना लिए हैं, क्रीमी फ्रूट डिलाइट, और अभी तो पकौड़े शकौड़े, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जूस वूस बनाया कुछ? हाँ, एक बनाया रूबी के किचन में, और ट्राई करेंगे इफ्तार में। जूस नहीं, वाटरमेलन शेक बनाया है, सरप्राइज टाइप का। गुड गुड, अच्छा शेफ, मुझे आपसे एक दो काम है। एक तो आपको टेबल लगाना है। हाँ, वो तो मैं कर लूँगा। अच्छा, और दूसरे ये कि रहान जो है सीमा का, सीमा का पोता, हाँ, तो उसकी आज फर्स्ट बर्थडे, कैन यू बिलीव? ओके, तो आप केक का अरेंज करें, कुछ अच्छा सा केक लेके आए, बच्चों को पसंद आया सा। अभी लाना है? हाँ, तो मतलब इसी इफ्तारी में सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, क्योंकि वो सब आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं मम्मी के जाने के बाद फर्स्ट टाइम, तो अच्छी तरह से केक वेक भी काट लें तो वो भी खुश हो जाए ना, है ना? रहान की बर्थडे करनी, जोही बलून ब्लो कर देगी, आना ना, रहान थी ना, आना थी, तो आना की बर्थडे कैसे बोलेंगे? हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे रहान, हैप्पी बर्थडे डी, खुद को ही बोलती है। तो चलो मैं अभी से लगाना, कब से लगाना? अच्छा, मुझे लगता है अभी पहले टेबल लगा लेते हैं, और अगर बलून लेने हैं तो डॉलर स्टोर वगैरह से बलून भी ले सकते हैं हैप्पी बर्थडे के, फिर केक पिकअप करते हुए आ जाएंगे। हाँ चलो, ठीक है, तो टेबल लगा के निकल जाते हैं। नहीं, मैं भी आ रही हूं। तू आ रही है साथ? हाँ। तो टिंगू को भी ले ले, उसका क्या कसूर? ओके, अच्छे से सीट बेल्ट में दोनों को, जोई टेक केयर करेगी, पहले टेबल लगा ले फिर जाना, मैं हेल्प कर दूं टेबल लगाने में। नहीं नहीं, मैं लगा लूंगा। आना 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 है तेरे को, डोनट लेने जाना है, वो क्या? ओके, दादाजी ले जा रहे हैं बलून और डोनट, डोनट खाती है, डोनट डोनट लेने जाना है, बलून लेने जाना है, और केक, डोनट चाहिए? आ जा, अपन दोनों आ जाते हैं, आ जा, संभाल, हाथ पकड़, लॉक दबाया, ओके ओके ओके, गुड, कार सीट पे बेल्ट बांधो, फ्रिज में तो नहीं जाएगा ना ये, फ्रिज में जाएगा? हाँ, फ्रिज में, राइट, सही, ऊपर के तो अच्छा कलर आ गया। पानी पूरी का पानी भी फिर बनाना है ना? हाँ, वो बाद में बना लूंगी, क्योंकि पकोड़े फ्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, इतने सारे पकोड़े, तो मैंने सोचा वो चढ़ाते हैं पहले, और काटती भी जाऊंगी, बनाती भी जाऊंगी। ओके, एक में वाटरमेलन आ जाएगा, एक में अंगूर आ जाएंगे, एक में स्ट्रॉबेरी और मेलन आ जाएगा। सही सही, और मैं कचुंबर के लिए, सही। अरे सना, हाँ मामा, हरा धनिया, हरा धनिया दूँ? वहाँ देखा है, ये रहा हरा धनिया। अगर आपने नहीं देखी है प्याज की रेसिपी, अगर आपने नहीं देखी है प्याज के पकोड़े की रेसिपी, तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। ओह माय गॉड, इतने खतरनाक है, आप लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, क्यूकम्बर मिल नहीं रहा, तो सिर्फ हरे देने वाली प्याज, और उसमें लेमन काट के बीच बीच में रख देती हूँ, नींबू एक्स्ट्रा निचोड़ना हो तो, ठीक है? हाँ,
और ये आपने सैलेड के लिए रखा था तो मैं इसमें इसी में हाँ तू ये मेरे आलू और हरी मिर्च यहाँ रख सकती है ताकि तेरे पास जगह हो जाए। वो नींबू स्क्वीज करने का डाल दिया अंदर नीचे में निकाल दिया। हाँ लाइम बहुत सारे ऑर्डर किए थे ना तो वो प्याज के बीच में धनिया डाल के लाइम डाल दूंगी। ठीक है सर तो वो जो कचूबर की हालत करती है ना वो करनी है इसकी। अब मेरा जो है वो दिल नहीं चलता है पता है ना सबको मिला कर वो मैंने मेरी दादी से सीखा है। ऐसा कचुम्बर मसलती थी बोले आ मैं कचुम्बर मसल देती हूँ फिर मैंने उनको देखा यूं तो बस एग्जैक्टली आज मुझे वो तेरी जरूरत है दादी की नहीं दादी की पोती की। ऐसा हशर कर दे मैं निचोड़ भी देती हूँ ना दो मुझे नहीं नहीं वो करना हाँ नहीं हो गया हो गया तू ग्लव्स पहन लिए ले ले अब तू तेरे पास ले लिए वहाँ इसकी वजह कि मुझे यहाँ दूसरी चीजें करनी इसी के कटिंग बोर्ड पर रख तो रख ले। चल ये प्याज का हशर नशर करते एक बता जब नई नई शादी हुई तो मैंने इसे कहा मैं कचूमर बना लेती हूँ मैंने कहा बना लो मेरे सामने टमाटर काटे हरा धनिया हरी मिर्चे प्याज सब कटी एंड में हमने देखा कि कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है ऐसा यू मसला वाह टेस्ट तो अच्छा था लेकिन कोई पहचाना नहीं जा रहा था उसने वो हशर किया था फिर उसको समझ में आया कि हम तो इतना नहीं करते थोड़ा करते आज उसकी ज़रूरत पड़ गई है मुझे एग्जैक्टली उस काम की। मैं फ्रूट चाट में कीवी भी डाल दूंगी थोड़ा सा क्योंकि मैंने लिया था ना खास मतलब फ्रूट्स जो काटूंगी ना उसमें हाँ हाँ थोड़ा सा कीवी भी डाल दूंगी। ठीक है जरूर यू आर योर ओन बॉस डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डू डबल बट नो ट्रेवल टू योर मदर ओके। इतना खामोशी हो गई है बच्चे और शफी केक लेने के लिए चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है इतना क्वाइट है हालांकि हमारी जगह सेपरेट होती है उनके पास नहीं होती इतना लेकिन फिर भी एहसास हो रहा होता है कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं सना हशर नशर करने में हेल्प करेगा हाँ हाँ लेमन स्क्वीज करेंगे तो सही है क्योंकि ये प्याज के पकौड़े ना हशर नशर कर देने से बड़े अच्छे बनते हैं। हाँ तो मैं स्क्वीज कर देती हूँ नहीं तू कर कर तू हशर नशर कर मैं तुझे हेल्प करती हूँ। ये रेसिपी है आपकी रूबी की किचन हाँ प्याज के पकोड़े की यस क्रिस्पी प्याज के पकोड़े अलग से बनाए हैं अच्छा। वैसे भी बनाए हैं प्याज के लेकिन अलग से जो बनाए हैं वो क्रिस्पी है वो उसका लिंक जो है वो यहाँ देते हैं आप ज़रूर देखिएगा वो तो इसीलिए इतने ढेर सारे बन रहे हैं सबके फेवरेट है वो तो। चलो हो गया So. नहीं हाथ नहीं निकालना है हाथ नहीं निकालने का अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है और भी किसी का हशन नशन करना है तो मुझे बता वो जो नहीं ऑपरेशन हो रहा होता है तो ऐसा लग रहा है मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि सना कर ही रही है और मैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ये ग्लव्स पहन के आ रही हूँ डॉक्टर फूल। ओह आपने बहुत अच्छी सर्जरी की है मुझे लग रहा है ये पेशेंट बहुत खुश है आपसे और अब देखना ये है कि ये रिज़ल्ट कैसा दे रहा है मतलब हमने जो इनके मसले मसाइल हैं वो हल किए कि नहीं किए तो हम गरम गरम तेल में डाल के और चेक करेंगे। यस बाइंडिंग इज़ गुड बाइंडिंग इज़ गुड मैं भी ऐसे ही करती हूँ हाँ लेकिन एकदम मुट्ठी नहीं मतलब कहने का ये कि फ्लैट थोड़ा सा हो यूँ अच्छा हाँ आप डालने लग मतलब आज तक मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था वैसे तो मैं फूड से बातें भी करती हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें करती हूँ लेकिन मुझे ऑपरेशन करने का ख्याल सर्जरी का एज ए डॉक्टर फर्स्ट टाइम आया। गुड़िया होती तो और मज़ा आता है ना उसको मिस कर रहे हैं हाँ लेकिन अभी तो उसके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं लेकिन आने वाली तो रमज़ान में ही है ना हाँ इंशाल्लाह आ जाएगी है ना हाँ तो अच्छे लग रहे पकौड़े इस थाली में ना अच्छे लग रहे हैं ना आपको हिंट मिल गया है कि क्या थीम है हमारा इस थाली से। सना ही खोलना पता चलेगा हल्दी कपड़े में ही लगा दी सही हाँ धनिया ले लो आपको चाहिए अभी नहीं नहीं ले लो सही चाहिए मुझे
मैं ये भी मेरी दादी की तरह करूँगी। वो धनिए के पत्ते निकालती थी फिर उसे काटती थी। धनिया साफ कर दीजिए। मुझे तो कोई गन पॉइंट पे बोले तो मैं बोले शूट कर दे, मैं नहीं करूँ कसम से। मामा फ्रूट्स जो है ना, मैं अंगूर सबसे नीचे सोच रही हूँ। ओके हैं सही। मैं ये रिंस करके लाई थी। मैंने सना की जगह भी टेक ओवर कर ली है क्योंकि मैं पकौड़े का चीज़ें काटती भी जा रही हूँ, अलग अलग बैटर बना के और करती जा रही हूँ। तो बेचारी की मैंने जगह ले ली, लेकिन मैं अभी फौरन जगह खाली कर दूँगी। मेरे पास तो है जगह फिलहाल। हाँ आना को मज़ा आया। आना को मज़ा आया था आज इनके साथ गई थी तो। मम्मा आना को मम्मा खाना है। ओके कीवी खाना है। सो हियर यू गो। आना बाबा कीवी है। बाबा राहन के लिए केक लाई। कौन से कलर का लाई? मिट्टी मिट्टी बना हुआ था। बलून लाए और रे वाह, तो राहन तो खुश हो जाएगा। मिनी भी लाए। आना की बर्थडे में सब मिनी, राहन की बर्थडे में सब मिकी। यूनिटॉर्न यूनिटॉर्न भी लेके आए। अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, वाओ केक आ गया। अरे आ गया, मुझे दिखाओ केक दिखाओ। आ गया। अरे बलून भी आ गया। अरे ओह मिकी माउस बलून और मिकी माउस केक आ गया। मिकी माउस इतने सारे डोनट्स। ओह माय गॉड, लग रहा है जुए की अजीत। हां बस ये देखिए पकौड़े बन रहे हैं, फ्रूट्स कट रहे हैं। ओहो हां फ्रूट्स कट रहे हैं, क्या बात है। अजोई केक तो देखा, नानी को देखा। वाओ अच्छा कहाँ रखना है इसको, इसको रखना कहाँ है? बस वहीं रखे, सारी चीजें जमा कर रही है। बलून शफी, हाँ बलून तो इसको दे। अजोई तू बलून ले ले, एक टच हो रहा है साइड से पता है बहुत। दोनों आ गए। ये बना तो क्या शानदार लग रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही है। हाँ ले ले जा। हाँ हाँ ले जा ले जा, तू अपने मुबारक हाथों से ले जा मेरी बेटी। थैंक यू, ये एजाज आपने मुझे दिया। अच्छा सना चटनी दो में डाली ना, तो एक में तो गोकमाले सॉस डालना है, एक में केचप, तो वो भी साथ रख दे पैटीज के साथ। ये पापड़ बना दूँ? चलो अभी बना देती हूँ। ये है इफ्तार की जान, पकौड़े। नहीं देख ये मैजिक है, देखो ये कितने बड़े हो गए, देखा वाओ। देखो आना कितनी खुश हो रही। इस पे चाट का मसाला भी छिड़क सकते हैं और रूबी मसाला भी छिड़क सकते हैं। उठा सकोगे? ये पापी रही है। चलो बस आप, क्या है ये लोग आएंगे ना, ये अभी थोड़ा वो है स्ट्रॉन्गर है, वो लोग आएंगे जब पानी ऐड करेंगे, बर्फ़ ऐड करेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें सारा सिखन का सेटअप आएगा। आलू तो रख देते हैं अभी से।
आलू सिखा ना पूरी और ये सना तेरे पैटीज किस में जाएंगे? मैं लाती हूँ। तू ये अच्छा पानी पूरी कर ले। हाँ हाँ इन लोग का आने का टाइम हो रहा है सना। हाँ बस जल्दी करते हैं। शुरू में कितने 3 पैकेट खोलूं? हैं ये एक है। हाँ हाँ 3 तो खोलने ही पड़ेंगे क्योंकि अपने यहाँ सबको पकोड़े और पानी पूरी बहुत पसंद है। आम हालात में क्या होता है जब हम अपनी कंट्री में रह रहे होते हैं ना वहाँ ऐसी चीज़ों की इतनी चाम नहीं होता है जितना कि आउट ऑफ कंट्री में होता है। पकौड़ों की भी बड़ी डिमांड होती है और पानी पूरी की भी। कुछ लोग नहीं है थाल में खाते हैं तो ये खाने का है। एक्चुअली शायद स्टील ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये। दो अलग है ईच। दानी ये देखो। ओह हाय हाउ नाइस। पूरा एक पैकेट इमली का खत्म हो गया बस इतना सा रह गया। इसका तो हाथ कैसे पहुंचने लगा है हर जगह। या अल्लाह बंद करो बंद करो। जा 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 खेल खेल। अपन के पास 19 मिनट्स है। 19 मिनट्स फॉर व्हाट? जब तक उन लोग आएंगे। अच्छा इतना टाइम हो गया। ओ हाँ वाकई वैसा ना। अब बाकी आइस डाल देंगे। अभी कॉन्सेंट्रेटेड बनाया मैंने। ये पूरियाँ हमारी बन रही है सिखन और पीले आलू के साथ। शफी केक तो खतरनाक पे किया आपने। वो ये ग्रीन देखो ये एक्चुअली ग्रास जैसा ये गाड़ी में लग रहा है। हो गया गाड़ी में चलेगा ना। नो प्रॉब्लम। इसकी गाड़ी तो सही है ना मिकी की तो। और फिर ये कैरेक्टर्स भी है सारे डोनाल्ड डग मिनी मिकी गुपी। ये इसने चूज किया पता। वाओ यू डिड गुड जॉब। क्या बोल रही है ग्रास ग्रास क्या कर रही थी तू? ये ग्रास एक्चुअली रियल ग्रास जैसा लग रहा है। हां बनाया ऐसा है ना। अच्छा शफी मैं मम्मी को ट्रिब्यूट दे रही हूं। अच्छा देखिए कितनी खुश है। मम्मी की फेवरेट चीज है पूरी सिखन एंड पीले आलू। मम्मी को बहुत पसंद है। हां मेरी माँ। आप लोग सब में मम्मी है ना तो मम्मी का यहाँ रखेंगे मम्मी के लिए। अब वो माँ भी चली गई जिनकी माँ चली गई थी। हाँ तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो सारा हो गया है और कढ़ाई और जो नान है वो बस लास्ट मिनट में निकालते हैं। चावल भी। हाँ चावल का तो हज नहीं है। निकाल लेना सालन में निकाल लेना। कढ़ाई निकाल लेना। हाँ निकाल लेना ठीक है। सोई रख देना इसको साइड में इसको। क्या लेता ये रह देख। एक क्रीमी फ्रूट डिलाइट एक दही फुल्की और सिखन के लिए थोड़ा छोटा वाला लेंगे। हाँ सही। और आलू सिखन के लिए छोटा होगा तो आलू के लिए बुरा लगेगा। ये दूसरा देती हूँ। हाँ ये इसमें डाल देती हूँ मामा। हाँ हाँ ठीक है। सना। हाँ मामा। चावल कितने थे? दो कप। दो कप। दो, दो कप, कप? हाँ
चलो थोड़ी सी पूरी डाल देते हैं, कभी कभी मिक्स करके भी खाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फुल्की यहाँ ले ली ना, कढ़ाई की भी जगह होनी चाहिए मामा। हाँ कढ़ाई रोटी साथ कर लेंगे, कढ़ाई रोटी की जगह होनी चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा कर लो। हाँ ए ये क्या लेके आ गई? ये रोल आए तो क्यों लेके आई भाई? नहीं ऐसे ही। चलो थैंक यू सो मच। क्या ले? हाँ मैंने कहा कढ़ाई और रोटी। अच्छा हाँ वो सही है, तो फिर तो जगह हो गई। ये देखो एक जगह दही फुल्की रख लेते हैं, एक जगह ये रख लेते हैं। हाँ सही, ये अब मैं अंदर रख देती हूँ ना, पूरी हाँ। चाहिए ना। सीमा देखो हाँ। ये? हाँ। मम्मी क्यों पता है? हाँ, मेरे को से ये मम्मी को ट्रिब्यूट किया है। सिकन पूरी आलू फ्लावर भी, सिकन पूरी आलू। मम्मी को सिकन का कितना क्रेज है। सिकन बनाया आपने? हाँ, क्यों मैं मदर्स डे पे मम्मी को कभी कभी बना देती थी पता। हाँ इंशाल्लाह। ये देखो हम खाएंगे, ये देखो पीले आलू भी। खुश हो कि अपन ट्रिब्यूट कर सकते हैं, खुश होने का रोने का नहीं है भाई, जाना सबको है, रोना नहीं है। मम्मी को अपन अच्छी तरह याद करते हमेशा रहेगी ना। हाँ अच्छी तरह याद करते थे। हाँ बिल्कुल, को पसंद है वो खा रहे हैं हम सब मिलके खाएंगे। हाँ हमारे में है सब में, अभी तक फील नहीं होता है। हाँ रोने का नहीं है, मम्मी की पसंद की चीजें अपन खाएंगे और मम्मी को अच्छी तरह याद करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने बीच में है, कहीं नहीं गई है। और मम्मी अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के गई है अपने लिए, अच्छी अच्छी बातें छोड़ और अच्छी यादें छोड़ के गई है। और हम सब में मम्मी का शौक होता था कि इफ्तार पार्टी, यही मैंने कहा पता है कि मम्मी बीमार हो गई तब भी कितना एक्साइटेड होती थी, हमेशा बोलती थी कि ख्वाहिश होती थी जमा करो उधर जमा करो। देख मम्मी नहीं है फिर भी किया ना जमा, सही तो इसी तरह मिलते रहेंगे। आप लोगों से कहा था ना कि ये मैं इफ्तार में ट्राई करके बताऊंगी, तो अब मैं टेस्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खतरनाक, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बनाना बनता है। इसका भी ध्यान रखने का कि एकदम से नहीं खाओ, एकदम से नहीं पियो। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि रमज़ान के महीने में सिर्फ भूखा रहना कोई सवाब नहीं है, हर चीज़ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मगर लोग वो नहीं करते हैं, खाली भूखा रहते हैं, दिन में चोरी करते हैं, दिन में झूठ बोलते हैं बिजनेस में, तो फ़ायदा क्या है? ये सब चीज़ें थोड़ी होती है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा, 100%। والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود आना आप एक बात सुने, पहले अपन बोलेंगे हैप्पी बर्थडे रहान, फिर अपन बोलेंगे हैप्पी बर्थडे आना, क्योंकि वो छोटा है ना, बेबी है ना, आना से भी छोटा है ना, तो रहान का पहले हैप्पी टू यू, फिर आना का हैप्पी टू यू। बोलो ते हाँ हाँ, आना का भी कर रहे कर रहे हैं। सना अपन यहाँ वो थोड़े टॉयज रख लेते हैं, मीठी तो दिखाते हैं। ओके यहाँ आना मीठी के साथ बैठे। हाँ
बहुत बहुत कर नहीं रखना, ठीक है? जोई तू बीच में सेट जा, जोई वहाँ से मैं फायर के ऊपर से नहीं दे सकती, कम ओवर ऑन द साइड। देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि शफी की बहन जो है उसके पोते की फर्स्ट बर्थडे है, तो लकीली हम सब यहाँ मौजूद है, तो हम रहान को हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, फिर हम हैप्पी बर्थडे आना करेंगे, क्योंकि आना बहन है ना, अपी है ना, तो उसका भी बोलेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आना की हैप्पी बर्थडे करना है। अच्छा, दो करना है, चलो फूंक मारो। हाँ, से जोर से। हैप्पी बर्थडे आना, हैप्पी बर्थडे आना, हैप्पी बर्थडे डियर आना, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली तो ये बर्थडे जो है आना की एवरीडे होती है, इसलिए ये एक्चुअल बर्थडे नहीं है इसकी। हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे। बड़ी दादी जो है ना वो ऐसा गाती थी, हाँ, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखा मैंने और सना ने मिलकर कैसे पकाया, मजे से खूब ढेर सारी आइटम बनाई, फैमिली को बुलाया, फैमिली के साथ खाया, और हमने, हमारी दुआ है कि आप लोग के भी दस्तरखान इसी तरह भरे रहे जैसे कि माशाल्लाह से हमने बनाया, और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ खूब खुश रहे, मज़े करें। मम्मी की कमी तो हमने बहुत महसूस की, इसीलिए मम्मी को ट्रिब्यूट किया, और जो मम्मी की पसंद का खाना था वो हमने बड़े शौक से खाया और उनको याद किया, और अपने दरमियान हम उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेंगे। क्या कहते हो तुम लोग सब, है ना? चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।